Hello students, welcome to my class. Today we are going to start the first chapter from your syllabus of class 9, The Fern They Had, written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is an American writer. इस स्टोरी की क्या थीम है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. द नेम ऑफ द लेसन इज़ द फन दे हैड. जो फन उन्होंने किया, दे, यहाँ पर जो दे वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो किसे रेफ़र कर रहा है. दे वर्ड रेफर्स टू द स्टूडेंट्स. अब कौन से स्टूडेंट्स के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है जो हमेशा बुक से पढ़ते थे. मीन्स आप लोग, जैसे कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते हो, आप लोग कंप्यूटर पे नहीं पढ़ते हो, लैपटॉप्स पे नहीं पढ़ते हो. हाँ, ये अलग बात है कि अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है और आप लोगों को अपने घर से ही स्टडी करनी पड़ रही है. तो ये इस पोएम, सॉरी, इस लेसन में एक कंपैरिजन है. मींस उन स्टूडेंट्स के बीच में जो टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते हैं और आगे आने वाले स्टूडेंट्स, मींस इन 2157 के नियर अराउंड जो स्टूडेंट्स होंगे, जब ऐसा टाइम आ जाएगा जब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ेंगे बल्कि वो किससे पढ़ाई करेंगे, ई लर्निंग उनकी पढ़ाई होगी. मीन्स वो घर पर रहकर ही अपने लैपटॉप से या अपने टैबलेट से पढ़ाई करेंगे. तो उसमें एक कुछ कंपैरिजन दिखाया है यहाँ पर इज़ैक एसिमोव ने दिखाया है. ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि जो बिल्कुल छोटे स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जो जिनका नर्सरी क्लास में एडमिशन हुआ है, आपके घर में भी होंगे आपके छोटे भाई बहन या आपके आस पड़ोस में, उन्होंने कभी अपने टीचर्स को नहीं देखा है क्योंकि जब एडमिशन का टाइम आया तब तक क्या हो चुका था, लॉकडाउन हो चुका था. तो एडमिशन का टाइम आया तो उन्होंने ना तो उन्होंने अपने टीचर्स को देखा है ना ही उनके पास टेक्स्ट बुक्स हैं. लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे स्टूडेंट्स नर्सरी क्लास के भी घर पर ही रहकर ई लर्निंग कर रहे हैं. मीन्स घर से ही वो पढ़ाई कर रहे हैं. बुक्स नहीं है तो वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें क्या करते हैं, लैपटॉप खोल के दे देते हैं या फिर टैबलेट से उन्हें दिखाते हैं कि ये देखो ये तुम्हारे टीचर्स हैं और ये तुम्हें यहाँ से पढ़ा रहे हैं. तो बुक्स नहीं होती है उनके पास. तो जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड रहेगा वो बच्चे बुक्स नहीं देख पाएंगे कि बुक्स क्या चीज़ होती है, उन्हें नहीं पता चलेगा कि बुक्स क्या है और कैसे इससे पढ़ाई करनी है. द सेम केस इज हेयर इन दिस स्टोरी द फन दे हैड. वो अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज मार्गी एंड टॉमी. मार्गी एक लड़की है एंड शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज अ बॉय. ही इज़ मार्गीज ब्रदर एंड ही इज 13 ईयर्स ओल्ड. देन मार्गी एंड टॉमी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके, एंड देन देर इज़ रोबोटिक टीचर. मीन्स एक मैकेनिकल टीचर है. उन्हें पढ़ाने वाला जो टीचर है वो आपकी तरह नहीं है. मीन्स जैसे आपके टीचर्स होते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, उनका टीचर कैसा है, एक मैकेनिक टीचर है. मीन्स एक कंप्यूटर है जो उन्हें पढ़ाता है, वो कोई इंसान नहीं है. सेकेंडली देर इज़ ए काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, वो एक ऐसा इंसान है जब उनका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, उसके अंदर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है घर पे और उनके कंप्यूटर को उठा के ले जाता है और उसे ठीक करके वापस दे देता है. देन सो ही इज़ ए काउंटी इंस्पेक्टर. देन देर इज़ मिसिज जॉन्स. शी इज़ मार्गीज एंड टॉमीज मदर. वो मार्गी की मदर है, मिसिज जॉन्स. सो यहाँ पे हमारे पास 5 मेन कैरेक्टर्स हैं. अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है, इस ये जब लेसन स्टार्ट होता है तो ऐसे स्टार्ट होता है. इसमें लिखा होता है मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने रात को बैठकर डायरी लिखी और उस डायरी में वो हमें सारी कहानी सुना रही है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली. व्हाट इज़ द रियल बुक, मैं आपको कोई बुक का एग्जाम्पल दिखाती हूँ. रियल बुक किसे कहते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, ये क्या है, ये एक रियल बुक है. आपके पास भी ऐसी बुक्स होती हैं जिनसे आप स्टडीज करते हैं. तो टॉमी, मार्गी ने लिखा कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. अब उस डायरी में वो सारा डिस्क्रिप्शन देगी जिससे कि हमें सारी कहानी समझ में आएगी. रोड डायरी इन 17 मई 2157. उसने डायरी लिखी 17 मई 2157 को. अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2157 तो अभी आया भी नहीं है, अभी तो क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो ये कहाँ से आ गया ये साल. तो इसमें राइटर ने यही बताया है कि जब 2157, 58 मीन्स जब ये वाले ईयर्स आ जाएंगे
तब बच्चे रियल बुक से पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, ई लर्निंग पर आ जाएंगे। उस टाइम टाइम इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक्स ख़त्म हो जाएंगी, मीन्स रियल बुक्स ख़त्म हो जाएंगी, और बच्चे किससे पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, टैबलेट से पढ़ रहे हैं, तब उन्हें टीचर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो स्टोरी सेट की गई है, ये इसी टाइम पीरियड में सेट की गई है, 17 मई 2157, यानी कि आज से 137-138 साल बाद ये स्टोरी सेट की गई है। अब उन बच्चों को एक किताब मिलती है अपने घर में, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं और आपको एक बहुत पुरानी कोई चीज़ मिल जाती है अपने दादा परदादा के टाइम की, और आपको नहीं पता वो चीज़ क्या है, आप उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या यूज़ होता था। ऐसे ही मार्गी टॉमी के साथ होता है, उन्हें जब वो साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक किताब मिली अपने घर से, और उस किताब को देखकर वो हैरान थे कि व्हाट इज़ दिस, क्या होता है ये, इसका क्या करना होता है। उन्हें नहीं पता था कि दैट दिस इज़ अ बुक और इसमें से पढ़ा जाता है। नहीं, क्यों नहीं पता उन बच्चों को, क्योंकि ये 2157 साल में रहने वाले बच्चे हैं, मीन्स जो ये जो स्टोरी सेट की गई है वो 2157 में सेट की गई है। ये बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए, ना ही इन्होंने बुक्स देखी हैं, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है। तो मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। शी वाज शॉक्ड टू सी द वर्ड्स वर नॉट मूविंग। अब वो बहुत हैरान थी कि ये कैसी बुक है, इसमें तो वर्ड्स भी मूव नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स हिल नहीं रहे हैं। मतलब क्योंकि वो किस पे पढ़ाई करते थे, अपने कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे तो क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन को इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रीन ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है, जब ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं वर्ड्स भी हिलते हैं, ठीक है। लेकिन रियल बुक्स में तो क्या है, जो पेज जहाँ पर है वो वहीं रहेगा, जो वर्ड जहाँ पर है वो वहीं रहता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो वहाँ से मूव नहीं करता। तो वो हैरान थी ये किस तरह की बुक है कि इसमें तो वर्ड्स भी हिल नहीं रहे हैं। द पेजेस वर येलो, और पेज बिल्कुल येलो थे। येलो क्यों थे, क्योंकि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब हो चुकी थी। पेजेस वर क्रिंकली, बहुत मुड़े हुए पेज थे, बहुत पुरानी बुक थी। वर्ड्स स्टूड स्टिल, वर्ड्स वहीं के वहीं थे, दे वर नॉट मूविंग, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। तो मार्गी और टॉमी को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। टॉमी टोल्ड दैट द बुक वॉज अबाउट स्कूल। अब टॉमी उससे बड़ा था, 13 ईयर्स का था, तो वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इनके बारे में नॉलेज है। तो उसने क्या कहा कि ये जो बुक है, जब मार्गी ने उससे पूछा कि ये बुक जो है ये किस चीज़ के बारे में है, क्या है इसमें, तो टॉमी ने बताया दैट दिस इज़ अबाउट स्कूल, कि ये किताब स्कूल के बारे में है। तो मार्गी बड़ी हैरान होती है कि स्कूल के बारे में कोई किताब क्यों लिखेगा। मार्गी डिडंट लाइक स्कूल। अब मार्गी को तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि मार्गी को अपना स्कूल उसे पसंद नहीं था। अपना स्कूल मीन्स जिस मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ती थी, जिस मैकेनिकल स्कूल में वो पढ़ती थी, वो उसे पसंद नहीं था। उनका स्कूल बच्चों आपके स्कूल जैसा नहीं था। आप लोग स्कूल में कैसे जाते हो, सब बच्चे मिलके आपस में, आस पड़ोस के बच्चे मिलकर आप सब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और एक ही क्लास में आप सब पढ़ते हो, रिसेस होती है तो खाना खाते हो, बहुत इन्जॉय करते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है एक दूसरे से शेयर भी करते हो रिलेटेड टू एजुकेशन या और भी कोई। लेकिन इन बच्चों के पास कोई फ्रेंड्स नहीं होता है। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ घर बैठकर क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, एक कंप्यूटर से वो लोग पढ़ते हैं, ना ही वो स्कूल जाते हैं, ना ही क्लासरूम होता है उनका कोई, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अलग अलग अपने कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर में अगर दो भाई बहन हैं तो दोनों के पास अलग अलग कंप्यूटर होंगे, तो एक बहन जो है वहां पर बैठ के पढ़ लेगी कंप्यूटर के सामने, और एक जो दूसरा भाई है उसका, वो भी कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ लेगा, और उनका टाइम फिक्स होता है, ना ही वो बैठ के वहां पे उस तरह से खाना खा सकते हैं और बच्चों के साथ जैसे आप लोग एंजॉय करते हैं। तो मार्गी को तो अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि मार्गी के टीचर्स मैकेनिकल थे, वो हमारी तरह टीचर्स नहीं थे, इंसान नहीं थे, वो एक कंप्यूटर था उन्हें पढ़ाने वाला। गेट स्लो ग्रेड्स इन ज्योग्राफी टेस्ट। दूसरा रीजन क्या था उसे अपना स्कूल पसंद क्यों नहीं था, हमेशा ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मार्गी के मार्क्स कम आते थे, कभी भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी ज्योग्राफी सेक्टर में। अब एक बार क्या हुआ था, टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर का मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में, तो कई बार उसकी विंडो क्रैश हो जाती है, वो पूरा का पूरा उड़ जाता है ना, डिलीट हो जाता है। तो उसी तरह से एक बार टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास वाला सेक्टर, पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। काउंटी इंस्पेक्टर टुक अवे टॉमीज मैकेनिकल टीचर। तो क्या हुआ था, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया घर पर और वो टॉमी के टीचर को उठा के ले गया।
इट सीम्स वेरी फनी कि वो टॉमी के टीचर को उठा के ले गया. अगर हम लोग हमारे अंदर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टीचर आपके स्कूल में नहीं आते, छुट्टी कर लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमें उठा के ले जाएंगे और हमें कहीं पे सेट करवा के लाएंगे, ठीक करवा के लाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है. लेकिन ये मैकेनिकल टीचर है, एक मशीन है जो उन्हें पढ़ाती है. तो जब टॉमी का टीचर ख़राब हुआ, मींस मैकेनिकल टीचर ख़राब हुआ, तो उसके टीचर को उठा कर ले गया. कौन उठा के ले गया? काउंट इंस्पेक्टर. मैंने आपको बताया था काउंट इंस्पेक्टर एक इंसान यानी कि एक बंदा आता है और वो आके उसको ठीक कर देता है. जैसे आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो उसे कोई ठीक करने के लिए मैकेनिक आता है. सो काउंट इंस्पेक्टर इज़ ए मैकेनिक हेयर. तो उसने टॉमी के वो मैकेनिक टीचर को उठा के ले गया. उसे ठीक करने में उसे एक महीने का समय लगा. अब क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर किस तरह का आदमी है उसकी डिस्क्रिप्शन अब देख लेते हैं. वो एक राउंड फैट लिटिल मैन है, एक मोटा सा आदमी है, छोटी सी हाइट का वो आदमी है. ब्रॉट हिज मैकेनिकल टीचर विद इन 1-2 आवर्स. अब क्या होता है कि मार्गी जिस तरह से ज्योग्राफी में बार बार उसके अगेन एंड अगेन बैड मार्क्स आ रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी सेक्टर में. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने चेक किया कि मार्गी की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसका जो एक गियर है, गियर का मतलब ये जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो गया है, इसका जो कंप्यूटर है वो एक इसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट नहीं है. जैसे मार्गी थी 11 साल की, लेकिन उसका जो मोड था वो उससे ज़्यादा हाई लेवल का सेट हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे बहुत स्पीडली पढ़ा रहा था और मार्गी उसे गेन नहीं कर पा रही थी और उसके अकॉर्डिंग मार्गी आंसर भी नहीं दे पा रही थी. तो जब काउंटी इंस्पेक्टर आया, उसने मार्गी की तरफ स्माइल करी और उसने मार्गी को खाने के लिए एक एप्पल दिया. अब मार्गी बहुत खुश हो रही थी कि चलो काउंटी इंस्पेक्टर आ गया है, मीन्स ये मैकेनिक आ गया है. और जिस तरह से टॉमी का मैकेनिकल टीचर एक महीने तक खराब पड़ा रहा था, ठीक नहीं हुआ था, उसी तरह से मेरा भी मैकेनिकल टीचर चला जाए यहाँ से, मतलब मुझे एक महीने तक पढ़ाई ना करनी पड़े. लेकिन ऐसा नहीं हुआ मार्गी के साथ, उसका टीचर 1-2 घंटे में ठीक होकर वापस आ गया. क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे टीचर बीमार हो जाए, ना आए हमें पढ़ाने के लिए? कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं. तो ऐसा ही मार्गी सोच रही थी कि मेरा टीचर जल्दी से नहीं आना चाहिए, वो इस तरह से ही रहे जिस तरह से कि टॉमी का एक महीने के बाद आया था. अब मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था. मार्गी को स्कूल पसंद क्यों नहीं था? बिकॉज शी डिसलाइक्ड स्लॉट. एक तो उसको वो एरिया पसंद नहीं था जहाँ पे उसे स्लॉट मींस जहाँ पे उसको टेस्ट देना होता था. जैसे बच्चों को टेस्ट देना पसंद नहीं होता है, उसको वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता था. उसे एक तो इसलिए अपना स्कूल पसंद नहीं था, टीचर गेव फास्ट रिजल्ट. और सेकेंडली क्या होता था, जैसे आप लोग जाते हैं स्कूल्स में टेस्ट देते हैं, तो टीचर्स आपका टेस्ट जब चेक करते हैं उन्हें 1-2 दिन भी लग जाता है या और भी ज़्यादा टाइम. लेकिन मार्गी के साथ ऐसा नहीं था, वो टेस्ट देती थी और उसको रिजल्ट साथ साथ मिल जाता था. क्यों? क्योंकि वो एक मैकेनिकल टीचर था, वो एक रोबोट था, एक मशीन थी जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में उसका टेस्ट चेक कर देती थी और उसे उसी समय अपना रिजल्ट पता चल जाता था. काउंटी इंस्पेक्टर सैड इट वॉज नोट द मिस्टेक ऑफ मार्गी, गियर एडजस्टेड इन फास्ट फॉरवर्ड मोड. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया मार्गी की मदर को कि ये इसकी गलती नहीं है, इसका जो फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन था जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रही थी. जैसे रियल स्कूल्स में बच्चों क्या होता है, रियल स्कूल्स में तो अगर जैसे कोई बच्चा है जो नर्सरी क्लास का है, वो नर्सरी क्लास में बैठेगा, केजी क्लास वाला केजी क्लास में बैठेगा और उसे उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है. एक 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसे उसके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा. लेकिन यहाँ पे मार्गी के साथ प्रॉब्लम क्या हो चुकी थी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उसे ठीक करके दी, उसने बताया कि मार्गी का लेवल उसमें हाई सेट हो गया था, जिसकी वजह से वो क्या था, अपने रिजल्ट में पीछे आ रही थी. Now it was set according to her level. अब काउंटी इंस्पेक्टर उसके कंप्यूटर को ठीक करके लाए और वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया. तो अभी तो मार्गी फ्लैशबैक में थी, मींस वो अभी अपने स्कूल के बारे में ही सोच रही थी कि हमारे स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, उसे अपने स्कूल्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाता था, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे स्कूल में पढ़ने के लिए. आप लोगों की तरह कोई बिल्डिंग नहीं होती थी उनके पास पढ़ने के लिए. लेकिन तभी वो फ्लैशबैक से वापस आती है टॉमी की तरफ. टॉमी जो उसे बुक्स के बारे में बता रहा है कि क्या होती है बुक्स और किस तरह से पुराने स्टूडेंट्स पढ़ते थे. शी वॉज इन फ्लैशबैक. ठीक है, टूडे स्कूल डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्कूल. अब टॉमी उसे बताता है कि हमारे जो स्कूल हैं
वो पहले वाले स्कूलों से बिल्कुल अलग हैं। मींस उनके स्कूल तो कौन से हुए, मैकेनिकल टीचर वाले, मींस एक मशीन उन्हें पढ़ा रही है। तो वो उसे बताता है कि पहले वाले बच्चे कैसे पढ़ते थे, उन्हें पढ़ाने के लिए एक रियल मैन होता था। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एक रियल, एक कोई इंसान, ठीक है। तो उन्हें पढ़ाने के लिए कोई इंसान होता था और वो बच्चे हमारी तरह नहीं पढ़ते थे कि जैसे हम लोग घरों में बैठ के पढ़ते हैं, नो। वो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते थे, वो तैयार होकर अपने घर से नहा धोकर तैयार होकर वो बच्चे एक बिल्डिंग में जाते हैं। स्पेशल एक बिल्डिंग बनी होती है पढ़ने के लिए जिसे आप लोग क्या कहते हैं, स्कूल। दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड स्कूल और वहाँ पर सब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आप इनके केस में क्या है, ये अपने घरों में रहेंगे, वहीं पर इनका टीचर हमेशा अवेलेबल रहता है और एक टाइम फिक्स रहता है और ये वहाँ पे उस अपने मैकेनिकल टीचर को ऑन कर लेते हैं, मींस कंप्यूटर स्क्रीन को, और वो टीचर इन्हें पढ़ा देता है। टेस्ट आ जाता है स्क्रीन पर, उस टेस्ट को कर देते हैं। लेकिन टॉमी बता रहा है मार्गी को कि ऐसा नहीं होता था पहले वाले बच्चों के साथ। वो लोग कैसे पढ़ते थे, वो एक बिल्डिंग में जाते थे, वहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स खुद आते थे अपने घरों से पढ़ाने के लिए। स्टडी टुगेदर, बच्चे एक साथ पढ़ते थे। मींस अगर कोई नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो एक रूम में बैठ के पढ़ेंगे, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अलग से एक अलग ग्रुप में बैठ के, मींस टेंथ क्लास के रूम में बैठ के पढ़ेंगे। तो सबके टीचर्स भी अलग अलग होते थे पढ़ाने के लिए। एंड स्टडीड अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, सब भी स्टूडेंट्स अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और उन्हें वही सिखाया जाता है उन्हें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही। मीन्स नाइन्थ या टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टिवली वही सिखाया जाएगा जो उनके मेंटल लेवल या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उन्हें अलग अलग क्लासेज में बिठा के पढ़ाया जाता था। मीन्स आप लोगों की बात हो रही है कि आप लोग ऐसे पढ़ते हो। मार्गी और टॉमी तो 2157 में पहुँचे हुए हैं, वो आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस समय बच्चे ऐसे पढ़ते थे, क्योंकि ये जो लेसन है ये फ्यूचर में सेट किया गया है। रियल टीचर हैड मोर नॉलेज, अब टॉमी बता रहा है मार्गी को, जो रियल टीचर है उसे मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हो? यस आई एम एग्री, मैं तो एग्री हूँ, क्योंकि इस कंप्यूटर को, इस रोबोट को, जो भी है, इसे बनाने वाला तो इंसान ही है। इनके पास हमारे से ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं है, इसे किसने क्रिएट किया है, मैन ने। तो एक मैन को ज़्यादा नॉलेज है, रोबोट ने हमें नहीं बनाया है, बल्कि हमने रोबोट और मशीन्स यानी कि कंप्यूटर्स बनाए हैं। सो वी हैव मोर नॉलेज देन कंप्यूटर्स, वी हैव मोर नॉलेज देन रोबोट्स। तो इसीलिए टॉमी बताता है कि रियल टीचर हैड मोर नॉलेज। सेकेंडली मार्गी डिडंट एग्री, टॉमी लाफ्ड। लेकिन मार्गी को इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि रियल मैन, एक इंसान में, यानी कि जिसे वो टीचर कह रहा था, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है बजाय कि एक कंप्यूटर के। लेकिन टॉमी को हंसी आ गई उसकी इस बात पर, और क्योंकि टॉमी को हंसी इसलिए भी आई क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा था कि मैं तुमसे एज में 2 साल बड़ा हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। तो मार्गी ने फिर धीरे धीरे उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं पता। मार्गीज मदर, तो जब वो बात कर रहे थे बुक्स के बारे में, तभी मार्गी की मदर ने मार्गी को आवाज़ लगाई कि मार्गी कम हेयर बिकॉज तुम्हारा टाइम हो चुका है पढ़ने का, स्टडीज टाइम तुम्हारा अब स्टार्ट हो गया है। आज उसकी उस टाइम पर अरिथमेटिक्स की क्लास थी। तो मार्गी की मदर उसे बुलाती है, लेकिन मार्गी का जाने का मन नहीं था क्योंकि मार्गी और टॉमी ने अभी वो बुक हाफ भी नहीं पढ़ी थी, हाफ भी कंप्लीट नहीं की थी, और उनका जाने का मन नहीं था। मार्गी का स्टडी रूम कहाँ था, उसका जो क्लासरूम था इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो मार्गी का बेडरूम था जहाँ पर वो सोती थी, उसके साथ वाला रूम ही उसका क्या था, स्टडी रूम था। बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्गी चली जाती है अपनी मदर के कहने पर और वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाती है अरिथमेटिक्स की क्लास अटेंड करने के लिए, और उसका मैकेनिकल टीचर उसे वो स्लॉट देना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे उसे अपना टेस्ट फिल करना है। लेकिन मार्गी का ध्यान अपने टेस्ट में नहीं था, मार्गी के दिमाग में कौन सी इमेजेस आ रही थी, द फन दे हैड। कौन सा फन दे हैड, वो मजा जो बच्चे करते थे। कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स, आप लोग, आप लोगों के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर कि वो बच्चे कितने लक्की थे कि उनके पास स्कूल होता था पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स आते थे, वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठ के पढ़ते थे। लेकिन हमारा स्कूल कितना बोरिंग है, हम यहीं अपने घर में एक रूम में बैठे रहते हैं, अकेले अकेले हम पढ़ते हैं स्क्रीन के आगे, कुछ भी फन नहीं आता, और उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा कि जो वो फन करते थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक यही था हमारा चैप्टर। मुझे लगता है कि आप सबने इस लेसन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, एंड आई आल्सो एंजॉयड ए लॉट व्हाइल टीचिंग यू। एंड आपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करवाऊंगी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी, आपको सारा मटेरियल मेरी वीडियोज़ में मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस इट्स बेल आइकन आल्सो सो दैट यू मे गेट माई ऑल वीडियोज़। ओके टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।